फ्रेंड्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 को पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लिया है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के पेज पर जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप क्लास 10 साइंस से देख सकते हैं, ठीक है, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। जो ऑप्शन दिए इनमें से आपका कौन सा मिनरल एसिड है? ए लैक्टिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर इसमें है जो कि मिनरल एसिड है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक एसिड। ये जो ऑप्शंस थे इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बोथ, 1 एंड 3। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता है केमिकल, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है ये कहीं ना कहीं हमें किसी फूड से प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो सिट्रिक एसिड है वो ऑरेंज से मिलता है और लैक्टिक एसिड है वो किससे मिलता है? कर्ड से मिलता है। मीन्स दोनों ही नेचर से हमें अपने आप मिलते हैं, तो इसलिए ये दोनों ही हमारे क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बोथ, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। अब जो स्टेटमेंट्स दे रखी है इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, तो ये तो राइट है, ठीक है। बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी राइट है कि जब एसिड में जो है एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। सी एसिड रिएक्ट विद सर्टन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एप्पल में ऑक्जलिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो राइट आंसर है इसका मैलिक एसिड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एप्पल में कौन सा एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म। बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, ऑक्साइड जो है जब मेटल रिएक्ट करती है, जब मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, मेटल के ऑक्साइड जब रिएक्ट किससे करते हैं? एसिड से, तो क्या फॉर्म होता है? ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि अगर हम मेटल की एसिड से रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मेटल Fe, ठीक है, उसने अगर रिएक्शन की है किससे? HCl से, तो क्या हो जाता है? इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, FeCl2 बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ का ऑप्शन क्या सही हो गया? ए बेस, बी एन एसिड, सी सॉल्ट या फिर इधर 1 और 2। तो राइट आंसर अभी हमने देखा सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो इन ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज डैश गैस। जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है, अभी जस्ट हम इस टॉपिक पे डिस्कस करके हटे हैं, तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? ये ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ा, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, ये तो हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है? HCl से रिएक्शन करनी है। तो क्या बनता है? सबसे पहले तो NaCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? NaCl, ठीक है, NaCl,
NaCl, ठीक है। उसके बाद क्या बना लेता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पर, H2O बन जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एक सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो अभी हमने ये सारा कुछ सॉल्व करके देखा तो क्या आ रहा है, ये सारा कुछ ही हमारे पास आ रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप बच्चों अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन क्या है, अब इसके लिए अब बताना क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर एंड पार्शियली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर, सी डू नॉट गेट आयोनाइज्ड इन वाटर, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, इसमें से करेक्ट ये लग रही है कि कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में, तभी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आंसर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड, इसमें से किसका एंटासिड में यूज किया जाता है। अगर चैप्टर आपने समझा होगा ना अच्छे से तो आप मेरे बोलने से पहले इसका आंसर समझ जाओगे। ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटासिड में किया जाता है। एंटासिड मीन्स एसिडिटी, एसिड के कैरेक्टर को, एसिड के बिहेवियर को, एसिड के नेचर को ख़त्म करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एंटासिड। और एसिड के नेचर को ख़त्म करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, हम बेस मिलाते हैं, तो वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसका यूज एंटासिड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द गिवन इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की pH वैल्यू क्या होती है, 0, 7, 8 या फिर 1। तो राइट आंसर इसका क्या है, जो प्योर वाटर होता है हमने पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इट मीन्स उसके अंदर आयंस नहीं होते, तो इट मीन्स वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है, 7। तो राइट आंसर इसका क्या है, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है, इफ सब्सटेंस हैज ए pH वैल्यू ऑफ 4, अगर सब्सटेंस की pH वैल्यू क्या है, 4 है, तो ए सब्सटेंस इज ए एसिड सब्सटेंस इज ए बेस, सब्सटेंस बेस है, बी द सब्सटेंस इज एन एसिड एसिड है, एंड द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल या फिर 1 or 2। तो देखो अब क्वेश्चन हमें दे रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बतानी है और पीएच वैल्यू 4 है, तो हमें पता है अगर 7 से लेस होता है तो वो एसिड होता है, 7 से मोर होता है तो बेस होता है। तो यहाँ पर ये 7 से क्या है, पीएच वैल्यू लेस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द गिवन इज ए ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, इफ ए सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7, अगर सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है, तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं 7 पीएच वैल्यू होती है तो क्या होता है, तो द सब्सटेंस इज ए बेस, द सब्सटेंस इज ए एसिड, द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, एंड इधर 1 or 2। तो इसका आंसर आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या फॉर्म होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2, ठीक है। उसके बाद है आपके पास किसे रिएक्शन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या बनता है, CA इसके साथ रिएक्शन करेगा, बना देगा CaCO3, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ से हमारा एक O तो यहाँ पर मिल गया क्योंकि इसके पास तो 2 था, अब बचा हमारे पास क्या है, H2O, चलिए H2O। तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को कम्प्लीटली देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
तो हाइड्रोजन गैस, वाटर, सॉल्ट या बोथ बी एंड सी। तो इसमें से हमने जब रिएक्शन की थी तो हमारा क्या बना था, हमारा बना था एक तो हाइड्रोजन, एक तो नहीं बनी थी हमारी, हमारा क्या बना था, वाटर बना था, दूसरा हमारा क्या बना था, सॉल्ट बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। अब बताना है एसिड अगर वाटर में मिक्स होता है तो कौन सा फिनोमेना होता है, ए न्यूट्रलाइजेशन, बी डिल्यूशन, सी आयोनाइजेशन, या फिर अगले ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली बी इज करेक्ट, या फिर ए बी दोनों करेक्ट हैं, या बी सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर सी ओनली करेक्ट है। तो इसमें आपका जो है, यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन एसिड मिक्स वाटर, अगर वाटर में हम एसिड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो देखो वाटर मिक्स हो रहा तो उसको न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा ना, उसमें क्या हो रहा है, डिल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम वाटर डाल रहे हैं तो डिल्यूट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा बोल रहा है आयोनाइजेशन, तो हमें पता है जब एसिड को हम उसमें वाटर में मिला रहे हैं तभी तो उसमें आयोनाइजेशन होता है, तो हमारे पास बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। विच वन अमंग द गिवन इज ए वीक बेस। अब आपको बताना है इसमें से वीक बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, 7 to 10, या फिर 0 to 10, या फिर 0 to 14, या फिर 7 to 14। तो हमने पीएच स्केल में कैसे पढ़ा था, ये मान लो पीएच स्केल है, यहाँ पर क्या था 7 था, और यहाँ पर क्या था 14, और यहाँ पर क्या था 0, ये सारा एसिड था, ये सारा बेस था, और ये क्या था, न्यूट्रल था। तो हमारा क्या हो गया, 0 से 14। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मिथाइल रेड कलर इज एसिडिक मीडियम। जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये केमिकल होता है, तो ये जो है एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, ए येलो, बी पिंक, सी रेड, डी ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर है सी रेड। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज नाम है इसका, मिथाइल रेड, सॉरी ये मिथाइल रेड हम यहाँ यूज़ करें, मिथाइल रेड जो होता है वो कैसा होता है एसिड में, रेड मीडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द केमिकल फार्मूला ऑफ द जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, ए CaSO4 1/2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 3H2O। तो राइट आंसर क्या है जिप्सम का, हमें पता है जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल्स का सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि कौन सा है। तो इसमें से आपने ध्यान रखना है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। ठीक है, अगर उसमें हाफ होगा ना तो वो क्या होगा, POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। कॉमन सॉल्ट जो है किचन में यूज़ किया जाता है ना, ठीक है, तो अब देखते हैं किस लिए, बेकिंग पाउडर में, वॉशिंग सोडा में, ब्लैक सॉल्ट में, या स्लैक डलाइम में। तो राइट आंसर क्या है, बेकिंग पाउडर में, केक बनाने में, पकौड़ास बनाने में इसका यूज़ करते हैं ना किचन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम, अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो ये चीज़ आपको पता लग गया होगा, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, एंड डी कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। तो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बी, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज बेसिक मीडियम। जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है बेसिक में क्या होता है, बेसिक अगर मीडियम है तो उसमें इसका कलर क्या होगा, पिंक, बी ऑरेंज, सी पर्पल, डी येलो। तो राइट आंसर क्या है इसका, येलो। ठीक है, नेक्स्ट 23। फिनोफ्थलीन इज कलर इज बेसिक मीडियम इज डैश,
बट इन एसिड इट इज फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो बेसिक में क्या होता है और एसिडिक में क्या होता है। पहले हमने बेसिक का बताना, फिर एसिड का बताना। मीन्स ए पिंक और कलरलेस, बी येलो पिंक, सी पिंक ऑरेंज और डी ब्लू रेड। तो राइट आंसर है इसका, ये हमारा सबसे पहले क्या बताना है हमने, हमने बोलना है बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम के लिए आपका यहाँ पर होगा ए। पहले क्या होगा, बेसिक मीडियम में होता है ये पिंक और फिर क्या होता है ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस। ठीक है, ये याद रखना आपने। यहाँ पर आपने ऑप्शन में देखना है कि पहले बेसिक दिया है कि पहले एसिडिक दिया है। ठीक है, उस हिसाब से आपने आंसर को फिल करना है। नेक्स्ट है 24, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूस्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ रिएक्शन करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है। ए सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, बी सोडियम जिंकेट एंड वाटर, सी सोडियम जिंकेट्स एंड हाइड्रोजन, डी सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक के साथ, ZN के साथ। तो अब हमें देखना है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और जिंक। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल देता है और साथ में सोडियम जिंकेट बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का pH या यहाँ पर होता है, आपको ये याद रखना है कि आपके चैप्टर में बीच में दिया हुआ है कुछ के pH वैल्यूज़, वो pH वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, उनमें से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है MCQ फॉर्म में या फिर 1 मार्क्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, 5। नेक्स्ट 26, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा के हटी हूँ कि अगर 2 है तो वो जिप्सम है और हाफ H2 है तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट विनेगर इज यूज्ड इन द पिकल एज इट। विनेगर क्या होता है, सिरका। ठीक है, उसको पिकल में यूज किया जाता है, मीन्स अचार में। ए इज एन एसिड, बी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एसिड होता है इसलिए, या माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए या से बचने के लिए, या फिर प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द पिकल, पिकल को सूखने से बचने के लिए या उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका, इसमें से राइट आंसर है आपका, ये क्या करता है, सॉरी ये पहले से आ गया, इसमें प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, क्या करता है, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं ताकि हमारा से जो अचार है वो जल्दी से ख़राब ना हो। नेक्स्ट 28, pH स्केल ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH स्केल क्या होता है, 14, 7, 10 या फिर 12। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका 7। न्यूट्रल क्या होता है, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इंडिकेटर है, ठीक है, वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बताना है कि इंडिकेटर से हम क्या पता करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली सिर्फ, या रिड्यूसिंग एजेंट, या वीक बेस और एसिडिक ओनली, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या है, एक इंडिकेटर का हमने बताना है। तो राइट आंसर आपका ये क्या बताता है आपको, सिर्फ यही तो नहीं बताएगा ना कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो नहीं बताता है, कॉम्प्लेक्स है ये तो नहीं बताता। तो बताता क्या है, बताता है ये क्या बताता है, वीक बेस और एसिड ओनली। ठीक है, वो बता देगा कि कौन सा वीक बेस है और एसिड, मीन्स दोनों। अगर हम यहाँ सिर्फ बात करें तो ये राइट आंसर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, वो तो एसिड और बेस दोनों बताता है ना, तो वो बेस भी बताएगा और एसिड भी बताएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टू प्रोटेक्ट टू डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज इट। देखो, जब हम प्रोटेक्ट करते हैं ना टूथ को, टूथ डीके के लिए, तो हम ब्रश करते अपने टीथ में रेगुलरली टूथपेस्ट है, तो उसमें क्या होता है, आपने टीवी में सुना है नमक होता है, नहीं पर नमक नहीं होता है, मैंने आपको कुछ और बताया था कि क्यों हम उसका यूज़ करते हैं, ए एसिड, बी बेस, सी न्यूट्रल, इन तीन में से आपको आंसर बताना है।
तो राइट आंसर क्या है? जब हम खाते हैं ना तो शुगर हमारे मुंह में काफ़ी टाइम तक बच जाती है अगर हम उसको सफाई नहीं करते मुंह की तो। अब वो क्या करती है, एसिडिक मीडियम बना लेती है। एसिडिक मीडियम बना लेती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यस राइट, किसका? बेस का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये MCQs अच्छे से समझ आ गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पर अगर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको रेड कलर में दिख रही है, इट मीन्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, उस दो क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।